गुड टू सी यू तहा भाई। आज आप बॉम्बे टाइम्स फैशन में आए, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड है फैशन को लेकर, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है? यार फैशन को लेकर पिछले कुछ महीनों में मेरा पूरा जो है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है पूरा चेंज हो चुका है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो फैशन में इतने घुसे हुए हैं कि उन्होंने कहा कि तेरा स्टाइल जो है ना बिल्कुल ठीक है, चेंज कर। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना स्टाइल का मतलब कुछ एक्सप्लोर करूँ, एक्सपेरिमेंट करूँ और कलर्स में जाऊँ। सो वेरी सून इंशाल्लाह इन द न्यू ईयर आप मुझे बिल्कुल अलग स्टाइल में देखेंगे। ओके, लेकिन जब स्टाइल की बात करो, आपके अंदाज की बात करो, तो फैंस ऑडियंस सब कुछ आपके उस मूंछ का बहुत ज्यादा वो करते हैं इंतजार कि कब वो वापस मूंछों पर तावा, अगर वापस हम कब ताहा भाई को मूंछों पर देख पाएंगे। क्या वजह थी मूंछ हटाने की, सबसे पहले बताइए। तो मूंछ एक्चुअली मैंने एक बहुत अच्छा एक शो किया है जो एक दो महीने के अंदर उसका लॉन्च हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों रखा था मैं। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे ना मूंछों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ। पहले ना जब मैं बचपन में, मेरे पापा के पास बहुत बड़ा बड़ा मूंछे थे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट अभी जाके जब मैंने अपने आप को देखा उस मूंछे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको हमेशा के लिए अनिल कपूर बन जाऊँ थोड़ा सा, पर अलग स्टाइल में, अपना थोड़ा तलवार काटे। वाह वाह, सो नाइस। मैं अगर बात करूँ आपसे रियलिटी शोज की, तो कितना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं आप रियलिटी शो पे एज एन एक्टर? रियलिटी शोज आर गुड फॉर पीपल। रियलिटी शो मेरे बस की बात नहीं है, आई थिंक रियलिटी शो के लिए आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। स्पेशली थिंग्स लाइक, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिग बॉस में भी गए या OTT में भी थे, एंड इट टेक्स क्वाइट अ टोल ऑन योर माइंड। मैं सिंपल सादा एक एक्टर हूँ यार, और अगर करूँगा तो कोई रियलिटी शो होस्ट कर सकता हूँ, पर रियलिटी शो में जाऊँगा। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि आपके दोस्त अभी हैं जो सीजन चल रहा है नया, इसमें कौन आपके दोस्त हैं, किन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं? यार ऐसे मैं ना एक बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं ये हिंट देना चाहता हूँ कि वो बहुत ही फनी है और वो एक्चुअली मेरा भाई है, पर खतरों के खिलाड़ी और झलक में जाने का मौका मिले तो आप डांस या खतरा उठाएंगे? अगर उठाने ही होता तो फिर मैं खतरा उठाऊंगा। ओके, पर मैं अभी कहता हूँ कि जब रियलिटी शो में आऊंगा तो होस्ट बनकर ही आऊंगा। ग्रेट। लास्ट सवाल, अगर आपको अपने जॉनर से बाहर निकल के किसी किरदार को निभाना हो तो आप कौन सा किरदार पकड़ना चाहेंगे? मेरा ऐसा कोई जॉनर तो है नहीं यार, पर ऑफकोर्स हाल ही में ताज बहुत अच्छा हो गया था, तो ताज के हिसाब से अगर मुझे चेंज करना होगा तो आई लव कॉमेडी। तो कॉमेडी में मैं एक्चुअली मेरी जो शुरुआत थी, डेब्यू फिल्म जो थी यशराज के साथ लव का दिए, उसमें फुल कॉमेडी भी था, तो आई फील कॉमेडी इज माई नेक्स्ट बेस्ट। वाह। लास्टली फैंस ऑडियंस जो आपको हमेशा इतना सारा प्यार देती, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। किसी को आपको ना बोलने की आप किसी, अगर कोई आपको बोले कि आप नहीं कर सकते तो आप उसका बिल्कुल भरोसा ना कीजिए। जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है, खुदा ने आपको इसलिए दिया है क्योंकि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वाह, सोना। अब बस जाते जाते आपसे जाना चाहूँगा, आज आप इधर बॉम्बे टाइम्स में आए, एक फैशन वीक यहाँ पे लगा गया, काफ़ी टाइम से हो रहा है, एंड अभी मैं देख रहा हूँ कि आप भी ब्लैक, एकदम ब्लैक पैंट एंड वाइट ब्लेजर के अंदर एकदम हैंडसम माचो मैन लग रहे हैं। किस तरीके की तैयारी करते हैं आप इवेंट के हिसाब से, अगर कहीं जाना हो तो कौन सा कलर ज्यादा प्रीफर करते हैं पहनना? यार कलर तो ब्लैक सबसे बेस्ट है, सबसे आसान है, सबसे बेस्ट है, पर अभी फिलहाल के लिए मैं ब्लैक बिल्कुल साइड पे रख रहा हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अलग कलर ट्राई करूँ, मेक माई सेल्फ अनकम्फर्टेबल पे, यू नो। जैसे अभी मैंने कुछ कल ही मामे का जो फेस्टिवल था उसमें मैंने बिल्कुल एक पिंक सूट पहना था, सो आई फील दैट एक्सप्लोरिंग इन डिफरेंट कलर, एंड ऑल्सो पिंक इज द न्यू ब्लैक। Okay. Right. So I like to explore and let's see. I there's no specific color as well. Okay. Thank you so much, Taha. Thank you. Thank you very much.